हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज मेधा एंड वेलकम टू मेधा शर्मा मेकओवर्स। कैसे हैं फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ इतनी अमेजिंग मेकअप लुक शेयर करने वाली हूं, तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एनिवर्सरी मेकअप लुक हो रहा है, तो सबसे पहले हम फेस को क्लिंजिंग करते हैं। CTM करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है मेकअप में, तो क्लिंजिंग सबसे पहले आप कर दीजिए। आपके पास फेस वॉश है तो फेस वॉश से, नहीं तो क्लिंजिंग मिल गया तो क्लिंजिंग। देन आप टोनर लगाएंगे, देन आप प्राइमर लगाएंगे। प्राइमर आप गर्मी का, जैसे समर सीजन चल रहा है तो प्राइमर आपको एकदम लगाना ज़रूरी ही है। आप दो प्राइमर यूज कर ले, दो नहीं है तो आप एक भी यूज कर ले, क्योंकि प्राइमर लगाने से क्या है कि आपकी पोर्स जो है वो क्लोज हो जाएगी और आपकी मेकअप जो है लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, आपको स्वेटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरी स्टूडेंट जो है वो मेकअप कर रही हैं, तो यहाँ पे उन्होंने बेस तैयार किया है। तो यहाँ पे उन्होंने पहले कंसीलर से थोड़ा सा बेस तैयार किया है, फिर फाउंडेशन से वो बेस तैयार कर रही है, बेस के ऊपर जो है वो फाउंडेशन यूज कर रही है। तो ये जो मेकअप लुक है फ्रेंड्स, ये बहुत सॉफ्ट सिंपल लुक है, इसे आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपको मेकअप सीखना है या फिर आप मेकअप कर रहे हो तो ये आप इजीली कर सकते हो, बहुत आसान है ये वाला मेकअप करना। तो आप देख सकते हैं, जैसे इनकी एनिवर्सरी मेकअप थी तो मुझे ना बहुत लाइट मेकअप करना था, और बेस जो फाउंडेशन हमने बेस पे लगाया था उसके बाद यहाँ पे वो लूज पाउडर यूज़ कर रही है, क्योंकि समर सीज़न है तो जाहिर सी बात है गर्मी होगी, पसीना आएगी, इसलिए हमें जो बेस लगाया है हमने उसको सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो है वो लूज पाउडर से सेट कर रही हैं। एंड यहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट को आई मेकअप सिखा रही थी, तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे वीडियो करना शूट करना मैं भूल गई थी, क्योंकि बेस तो हमारी स्टूडेंट रेडी कर दी थी बट आई मेकअप मैं खुद की हूँ, तो इस वजह से वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गई थी। एंड यहाँ पे देख सकते हैं, आई मेकअप करने के बाद यहाँ पे मैं लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ, स्केच वाला लाइनर था। मेरी स्टूडेंट को यही वाला लाइनर चाहिए था देखना कि कैसे यूज करते हैं, तो इसलिए मैंने यही वाला लाइनर यूज करके उन लोगों को बताया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लाइनर लगा दिया है मैंने। उसके बाद क्या करना है, आपको आईब्रो को जो है अच्छे से सेट कर देना है। पहले स्पूली की हेल्प से आप आईब्रो को कॉम कर ले, देन आप आईब्रो फिलर की हेल्प से आईब्रो को अच्छी तरीके से फिल कर ले। यहाँ पे मैं ब्लैक कलर की, क्योंकि इनकी ब्लैक आईब्रोज थी इसलिए मैंने ब्लैक ही शैडो लगाया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपको जो है ना दोनों आईब्रो को सेम शेप देके अच्छे से फिल कर लेना है। देख सकते हैं इनकी आईब्रो कितनी अच्छी लग रही हैं, एंड बिफोर एंड आफ्टर आप लुक देख सकते हैं कि कैसी लगी। मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर, मैं बता दूं कि मेरा नाम मेधा शर्मा है, मैं ब्यूटिशियन से रिलेटेड हर टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ और भी बनाती रहूँगी जो भी हमारे चैनल पे नहीं है। तो आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगती है इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड उसके बगल में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए और आप मेरी वीडियो को देख पाएँ। तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मैं इनकी कंटोरिंग कर रही हूँ, कंटोर करके यहाँ पर ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। समर सीजन है इसलिए मैंने क्रीम नहीं किया, क्रीम प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है, मैं यहाँ पे पाउडर कंटोर की हूँ यूज, और ज़्यादा कंटोरिंग की ज़रूरी भी नहीं थी क्योंकि इनकी एनिवर्सरी मेकअप थी, एनिवर्सरी थी तो इन्हें ना बहुत लाइट सी मेकअप चाहिए थी, इस वजह से यहाँ पे मैंने एकदम लाइट कलर से ही ब्लश लगाया है, बिल्कुल लाइट में। देन आप अच्छे से काजल ड्रॉ कर ले, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अच्छे से दोनों आँखों में काजल को ड्रॉ कर लिया है, और देन यहाँ पे मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। तो लिपस्टिक को सबसे पहले, आपको लिपस्टिक लगाने में दिक्कत होती है या फिर आप फर्स्ट बार लिपस्टिक लगा रहे हैं, तो सबसे पहले आप जो आउटलाइन होती है उसे ड्रॉ कर लें और उसके बाद लिपस्टिक लगाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आउट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे मैं मैट वाली जो लिपस्टिक होती है ना वो पहले अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपको ट्रिक चाहिए कि लॉन्ग लास्टिंग मेरा लिपस्टिक कैसे रहे, तो आप ये वाली जो ट्रिक है ज़रूर फॉलो करें,
पहले आप मैट लिपस्टिक को लगा ले, उसके ऊपर से आप कोई भी लिक्विड लिपस्टिक, इससे जो है आपकी लिपस्टिक जो है और ज़्यादा अच्छी दिखेंगी और बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगी। तो ये वाली ट्रिक आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी अच्छी इनकी मेकअप लग रही है। और लास्ट में मैंने मस्कारा अप्लाई किया है, आप देख सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि कितनी अच्छी दिख रही हैं और इनका मेकअप कितना अच्छा दिख रहा है। सच में बहुत अच्छा मेकअप लग रहा था। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।